हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टुडे लेट वी डिस्कस अबाउट क्लास साइंस यूनिट टेस्ट सॉल्यूशन इन दिस वीडियो सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट आइडेंटिफाई टूथ सोन इन द अल्फाबेटिक ए बी एंड सी इन द फिगर गिवन बिलो बेस ऑन इट्स अपियरेंस एंड इंडिकेट इट्स टाइप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको तीथ प्रोवाइड की गई है और हमें बताना है कि ए बी सी है जो वो किस किस टाइप की है किस किस टाइप का इंडिकेट करता है वो हमें इसमें बताना है तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं फिगर बाय यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों जैसे कि जहाँ पर ए लिखा हुआ है ठीक है ए पार्ट्स में जो जो आपका लिखा हुआ है डेट मीन्स देखो ए में क्या क्या है इतने सारे तीत जो आपके हैं ठीक है लास्ट के थ्री एंड थ्री क्लियर बच्चों इससे हम बोलते हैं बच्चों मोलर क्या बोलते हैं बच्चों मोलर देन बी में देखिए बी आपका ये नंबर से स्टार्टिंग के आपने देखे होंगे आगे आपके ठीक है कि आगे के कितने बेटा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे तो इसे हम बोलते हैं इंसियर क्या बोलते हैं बेटा इंसियर एंड लास्ट आपका सी नंबर का बोला तो सी नंबर का ये वाले हैं आपके तीत ठीक है जिसे हम बोलते हैं प्री मोलर तो इस टाइप से आपको ए बी सी करके क्या करना है इसको मैंशन करना है बच्चों क्लियर उसके बाद हम देखेंगे चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं लिखा हुआ है आई एम यूज फॉर मेकिंग साड़ी एंड आई ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स हूँ आई एम मेरा मुझे साड़ी के लिए यूज़ किया जाता है और मैं एनिमल में से बनती हूँ मेरा नाम बताइए मैं कौन हूँ तो स्टूडेंट जिसे हम क्या बोलते हैं सिल्क आपको पता है सिल्क की साड़ी बनती है जो कि सिल्क जो होता है वो एनिमल्स में से हमें मिलता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन में लिखा आई एम यूज टू मेकिंग स्वेटर्स एंड आई ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स हु आई एम मेरा यूज़ मेरा यूज़ बेटा स्वेटर के लिए किया जाता है एंड मैं भी एनिमल में से मिलती है पहचानो मैं कौन हूँ तो जिसे हम बोलते हैं बेटा ऊल तो ऊल जो होती है वो आपको एनिमल्स में से मिलती है और जिसके द्वारा स्वेटर बनाए जाते हैं बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में आपको दिया गया है यहाँ पे वीरोट फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज फंक्शन एंड कंडक्टर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आपको बताना है कि विफ्रू क्रिएट जो है आपका ये फंक्शन है फंक्शन है या प्रॉपर्टी कंडक्टर से जैसे फर्स्ट लिखा द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द वन एंड टू अनदर ट्रांसफ़र मतलब हीट जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये हाँ बच्चों क्या हो जाएगा ये आपका बताओ नहीं पता तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ आपको प्रॉपर्टी और फंक्शन कैसे समझना है ठीक है जैसे कि कोई भी वर्क करता है उससे हम बोलते हैं फंक्शन और जो उसकी ठीक है जो उसकी विशेषता है वो होती है प्रॉपर्टी जैसे लिखा यूज ऑफ मेकिंग वेजल इंड हैंडल्स जैसे ये देखिए यूज ऑफ मेकिंग मतलब देखिए कुकिंग मतलब तो बनाने के लिए बर्तन वगैरह बनाने के लिए काम में आता है तो ये सब उसके क्या है बेटा फंक्शन है यूज टॉप मेक कुकिंग यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह बनाने के लिए खाना बनाने के लिए तो ये भी इसके क्या हो गए बेटा फंक्शन हो गया और लिखा डिस्पाइट गिविंग हीट हीट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू अनादर जब आपको हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो ना हो डिस डिपाइट ना हो ठीक है और ना फैले तो उससे हम बोलेंगे बच्चा प्रॉपर्टी तो आप देख देख सकते हो जिसमें फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर आपका क्या है प्रॉपर्टी है ठीक है बच्चों क्या है उसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर क्लियर एंड स्टेटमेंट टू एंड थ्री ये आपका क्या है बेटा तो फंक्शन है ठीक है समझ में आया बच्चों चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू का भी देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है लुक एट पिक्चर्स ऑफ द थर्मोमीटर एंड सेविच ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड विच इज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर स्टूडेंट्स आप लोगों को तो पता ही होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर्स तो आप डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं ठीक है तो इसमें से जो फर्स्ट नंबर का है जिसे हम कहेंगे बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर ठीक है और सेकेंड जो आपका है जिसे हम बोलेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं ठीक है अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू जो है सी का दिया हुआ है विच एनिमल्स डाइजेस्ट सिस्टम इज गिवन बिलो मतलब एक कौन से एनिमल्स का डाइजेस्ट सिस्टम का फिगर दिया हुआ है आपको तो देखिए हम फिगर से आप समझाते हैं आपको ठीक है तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि फिगर दिया हुआ है जैसे कि जो एनिमल्स हमारे हार्वियर्स होते हैं बट वो कैसे होते हैं ग्रास वगैरह खाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो ये वाले पार्ट्स में ठीक है इसको मैच कर रहे हैं ना बच्चों तो ये किस, किस में देखने को मिलेगी एक तो आपको काव में देखने को मिलेगी एक ही आपको वफेलों में देखने पड़ेगी या फिर ऑक्स में देखने को मिलेगी ये सब जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा काउ आर वफेलो क्लियर बच्चों चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करेंगे हमारा थ्री नंबर का क्लासीफाई करना है यहाँ पर हमें लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन टू ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशंस हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस ठीक है यहाँ पे हमें देखना है बच्चों कौन कौन सी न्यूट्रिशंस हैं आपके तो जैसे कि लिखा हुआ है प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड विद हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट यूजिंग वाटर एंड सॉल्ट ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ठीक है बच्चों जो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक क्लियर ठीक है यही हमारा ऑटोट्राफिक हो जाएगा बेटा ठीक है सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है कैन नॉट प्रिपेयर फूड बाई इट सेल्फ बट डिपेंडेड ऑन फूड्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स अपना खाना स्वयं नहीं बना पाता है लेकिन ये भी प्लांट के ऊपर क्या होता है डिपेंड होता है जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रेश क्लियर बच्चों थर्ड में देखो लिखा हुआ है टेक्स इट न्यूट्रेशन फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर्स आपको पता होगा बच्चों जो प्राणी मर जाते हैं ठीक है उस उसमें से अपना जो भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रेशंस फ़ोन नंबर में लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस मेकिंग फूड मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज ए रिलीज इन द एटमोस्फेयर तो जिसे हम बोलते हैं ऑट्रोट्रॉफिक न्यूट्रेशंस एंड लास्ट दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन स्पोइल मेनी थिंग्स इन मानसून आर हमिड इन्वायरमेंट आपने देखा होगा कभी कभी जैसे अपना जो मौसम होता है वो खराब हो जाता है जिसके वजह से अपनी न्यूट्रिशंस में क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं जिसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री आपका पूरा हो गया है अब क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे ठीक है जिसमें हेडिंग में आपको दिया गया है एक्सप्लेन प्रोसेस एंड इवेंट्स आंसर द फॉलोइंग वाई डू वी फील मोर हीट वेन वी कीप वन हैंड अब द कैंडल फ्लैम देन कीपिंग ऑन द साइड ऑफ कैंडल फ्लैम बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता होगा नॉर्मली बेस पे जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं भी आपको ईयर मतलब कहीं भी आपको आग लगी हुई हो ठीक है कहीं कोई भी चीज़ आपने जलाई हो और उसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हो ऊपर साइड तो आपको ज़्यादा प्रेशराइज और ज़्यादा आपको गर्म फील होता है क्यों एंड उसके साइड में रखते हो तो क्यों नहीं होता बिकॉज आपको पता है जो एयर होती है एयर के कॉन्टेक्ट में जब आपकी ये फ्लेम आती है ठीक है तो आपको ज़्यादा गर्म लगता है ठीक इस है इसमें भी देखो आंसर में वही लिखा हुआ है टुवर्ड्स द टॉप एयर गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन एंड द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट जैसे कि आप कभी भी कैंडल्स जलाते हो कोई भी चीज़ जलाते हो तो क्या तो होता है ऊपर रखते हो तो क्या होता है हीट जो होती है उसके कॉन्टेक्ट में आती है जिसके वजह से आपको गर्म ज़्यादा फील होता है बेटा ठीक है बट आप यही चीज ठीक है जैसे आप साइड में अगर हैंड रखते हो क्लियर साइड में रखते हो और ऊपर रखते हो फ़र्क क्या देखो साइड में रखोगे तो क्या होगा आपको ईयर के कांटेक्ट में नहीं आओगे और ईयर के कांटेक्ट में नहीं आओगे तो जिससे आपको ज़्यादा हीट पता चलेगा नहीं सो so स्टूडेंट्स यही है आप लोगों को समझना है कि कब हमें क्यों लगता है गर्म उसका रीज़न यही है अब लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस ठीक है ह्यूमंस के बीच में डाइजेशन है वो चीज़ हमको क्या करनी है अब समझनी है बच्चों चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है आंसर में डाइजेशन इन ह्यूमंस ह्यूमन में जो डाइजेशन होती है एक नॉर्मल बेस पे हम लोगों ने जब स्मॉल क्लास में थे तब तो हम सीखे थे सबसे पहले हम ठीक है माउथ में एंटर करते हैं उसके बाद हमारे कहाँ जाता है बेटा फोड पाइप में जाता है उसके बाद हमने सीखा था स्टोमच में जाता है ठीक है और उसके बाद हमने सीखा था इस्म इस इंस्टेंट टाइम में जाता है उसके बाद हमारा लार्ज इंटरेस्ट टाइम में लास्ट आपका आता था बच्चा इनस में ठीक है तो उसी टाइप से ये भी है बट इसमें थोड़ा इसका नाम दे दिया गया है थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझा दिया गया है क्योंकि आपकी क्लास भी बड़ी हो गई है बच्चों ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें ह्यूमन बिंग्स एक्सीविट ए है होलोजिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन्वॉल्विंग फाइव बेसिस फाइव वेजिस्ट पर इसने समझाया एक तो होता है इग्नेशंस दूसरा है डाइजेशन तीसरा ऑब्जर्वेशंस एसेम्बलेशंस एंड इग्नेसन तो ये पांच स्टेप्स में आपको इसको समझना है फर्स्ट आपका होता है इग्नेशंस तो लिखा इग्नेशंस इग्नेसंस रिफर टू द इनटेक ऑफ फूड इग्नेशंस टेक्स प्लेस थ्रू माउथ ठीक है सबसे पहले आपको पता है हम भोजन कहाँ रखते हैं ठीक है माउथ में रखते हैं उसके बाद जाके आगे की प्रोसेस होती होगी बच्चों आगे देखिए आगे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे डाइजेशन डाइजेशन रिफर टू द ब्रेक डाउन ऑफ इन जय इंजेस्टेड फूड इंटू सिंपलर फॉर्म्स सबसे पहले आपको पता है डाइजेशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो आप खाना खाओगे उसका पहले तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ब्रेकडाउन किसके द्वारा करोगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ठीक है तो आप उसको किसके द्वारा करोगे तो तीत के द्वारा करोगे तो देखिए तीत के द्वारा आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उसके छोटे छोटे क्या होते हैं वाइट हो जाते हैं ब्रेकडाउन हो जाते हैं सो so, वो चीज़ कहाँ जाती है तीत के द्वारा आपके स्टोमच में स्मॉल इंट्रेस्टाइन एंड सेक्रेशन फ्रॉम वेरियस क्लैंड हेल्प इन अब आता है अपना में क्या होता है स्टूडेंट्स लिखा हुआ एब्सोर्वेश रिफर टू तो द प्रोसेस इन विच डाइजेस्ट फूड इज ऑब्जर्व इन टू तो द बॉडी फील्ड ब्लड लाइम स्मॉल इंस्टेंट टाइम प्लेस एन मेजर रोल ऑब्जर्वेशन इसमें भी स्मॉल इंस्टेंट टाइम एक अच्छा सा उसका रोल प्ले करता है असम्बलीनेशन में क्या है असम्बलीस रिफर टू द प्रोसेस इन विच ऑब्जर्व फूड ये ट्रांसफर टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी ठीक है बेटा अब तो एसिमुलेश में क्या होता है जो ऑब्जर्वेशन में जो आपके पार्ट्स होते हैं जो आपके फूड होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में भेजने का काम करता है एसिमलेसंस अब होता लास्ट इग्न इग्नेशंस में क्या होता है इग्नेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडेस्ड फूड फ्रॉम द बॉडी ये क्या करता है हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उससे

आपके प्लांट्स भी होते हैं जिनके जो पत्तियाँ होती हैं अलग अलग कलर की होती है जस्ट लाइक एग्जाम्पल रेड कलर का भी हो सकता है वॉयलेट कलर का भी हो सकता है ब्राउन कलर का भी हो सकता है सो so, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी द लिव्स हैविंग कलर्स दैट अदर ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल्स इन दैम एक्चुअली द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड वायलेट ब्राउन और अदर पिगमेंट इन सच लिव्स मास्क ऑफ ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल्स तो ये जो अलग अलग कलर्स होते हैं तो इसमें से हमें क्लोरोफिल्स देखने को मिलेगा सो द इज आल्सो टेक्स प्लेस इन लिप्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन जिसके वजह से ये हरे कलर की ज़्यादा दिखाई देते हैं आप लोगों को सो so, स्टूडेंट्स अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया है क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं स्टेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क सिल्क बनाने की प्रोसेस क्या क्या होती है वो हमें क्या करनी है बच्चों बतानी है तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस में चलिए लिखा हुआ था तो सबसे पहले सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोकॉन सिल्क जो होता है वो आपको कोकोन में से मिलता है ठीक है उसका लिखा है पाइल ऑफ कोकोन इज यूज टू ऑपटेनिंग सिल्क फाइबर उसके बाद कोकोन का उपयोग सिल्क फाइबर बनाने में हमें यूजेस किया जाता है द कोकोन आर केप्ट अंडर द सन आर बोल्ड आर एक्सपोज टू स्ट्रीम सिल्क फाइबर सेपरेट आउट सबसे पहले क्या किया जाता है कोकोन को गर्म किया जाता है और उसे सन में धूप में रखा जाता है जिसके वजह से सिल्क उसमें से क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन कोकोन में से थ्रेड निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क क्या बोलते हैं बच्चों रीलिंग द सिल्क रंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंट द थ्रेड ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकन ठीक है रीलिंग क्या करता है उसके बाद स्पेशल मशीनों में ही जाती है और थ्रेड के रूप में बाहर आती है सिल्क फाइबर्स आर द स्पून इंटू द सिल्क थ्रेड विच आर द वूवेन इंटू द क्लोथ बाई बेबियर्स जिसके द्वारा कपड़े बुनने में भी काम आता है ये सब चीज़ सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को दबाना ना भूलें और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए जब तक के लिए बने रहिए बाय बाय